मोदी जी लिख रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी 2000 अब रामकृपाल जी ये पहले वो मंत्री होंगे जो अलाई से आ रहे हैं, अभी तक बीजेपी के आ रहे थे सारे। और संतोष, एच डी कुमारस्वामी को शामिल करने के पीछे और उनको शामिल करकर कर्नाटक की राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर? देखिए, कुमारस्वामी को मंत्रिमंडल में लाना और प्रकट रूप से शपथ दिलाना एक मैसेज है कि वी आर लॉयल टू द अलाइज, चाहे कुछ हो जाए। इतनी कहानियां हुई, इतने केसेस हुए, लेकिन हम अलाइज के साथ खड़े। देखिए, मोदी जी का मैसेज है कि वी आर लॉयल टू द अलाइज। और कुमारस्वामी का इस कैबिनेट में कई लोग अटकले लगा रहे थे कि कोई किसी और तरह से जेडीएस को कॉम्पनसेट किया जाए। संतोष, आप क्योंकि साउथ की पॉलिटिक्स समझते हैं, कुमारस्वामी का रोल कर्नाटक में इतनी सीटें हारने के बाद और कितना बड़ा हो जाता है अब, स्पेशली वोकालिंगा वोट्स को देखते हुए। साउथ कर्नाटका में जेडीएस फैमिली का दबदबा आज भी है, इतनी कंट्रोवर्सी हो जाने के बावजूद भी आज भी जेडीएस फैमिली का अपना दबदबा है। और मोदी जी उस दबदबे को कभी भी, स्पेशली ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब कांग्रेस की सरकार है। मारुकर जी, आप किस तरह से देखते हैं कि सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्हें अहमियत भी दी गई, उन्हें मंत्री पद में भी शामिल किया जा रहा है, और इसके जरिए कैसे कर्नाटक की राजनीति में उनको साधने की कोशिश? देखिए, देवगढ़ जी और मोदी जी का भी एक अलग संबंध है। आप देखें कि देवगढ़ जी ने अपोजिशन में रहते हुए भी उनको काफी रिस्पेक्ट दिया हुआ है भूतकाल के अंदर। एक दूसरा, जैसे इन्होंने कहा कि जो एलाइज है उनको रीअश्योर रखना पड़ेगा, लेकिन एक समय वाला एलिमेंट इस सरकार में मैं देख रहा हूँ जिसके चर्चा अभी तक नहीं हुई कहीं भी, कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों अपने आप में गुड गवर्नेंस के सिंबल रहे हैं। तो अब तीन लोग साथ में आ गए, नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े सिंबल है, और साथ में उनके साथ दो। सर, थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि ये मोदी 3.0 का एंड फैक्टर है, नरेंद्र, नायडू और नीतीश।